व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रांजिशन इफेक्ट बताने जा रहा हूँ। ये ट्रांजिशन इफेक्ट आप वीडियो एडिट करके डाल सकते हैं और इस ट्रांजिशन का इफेक्ट का नाम है बेस। जैसा कि आपने वीडियो प्ले होते ही एक वीडियो देख लिया है, वो वाला वीडियो बेस के ऊपर था, बेस इफेक्ट के ऊपर था। तो ये वाला एडिटिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। ओके दोस्तों, अब आपको काइंड मास्टर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो यहाँ पर आपको काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, क्योंकि काइंड मास्टर ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप प्रोफेशनल लेवल तक वीडियो एडिट कर सकते हैं। ओके, और इस तरह इंटरफेस नज़र आता है, और इस तरह इंटरफेस नज़र आता है। अगर आप काइंड मास्टर डेली यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा। तो आपको यहाँ पर प्लस के सिंबल पर क्लिक कर देना है और रेशियो सेट कर देना है 16:9। ओके, आप मैं इसको सेट कर देता हूँ। ओके, आपको ब्लैंक नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आपको वीडियो लाना है। आप वीडियो कैसे भी ला सकते हैं, जैसे कि अगर आप शूट करना चाहते हैं शूट भी कर सकते हैं, या दोस्तों कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो। मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया, मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, पहले तो आप मतलब कि वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले वीडियो नहीं लाना है, आपको एक बैकग्राउंड लाना है, वो भी ब्लैक कलर का। तो यहाँ पर मीडिया पर चले जाता हूँ और यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन दे सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर आपको ब्लैक पे सेट कर लेना है, और यहाँ पर जैसे ही सेट करेंगे नीचे देख सकते हैं बैकग्राउंड आ गया है। इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, क्योंकि अभी बहुत छोटा नज़र आ रहा है। इसकी ड्यूरेशन जो टाइम है उसको थोड़ा लंबा कर दिया है। अब यहाँ पर आपको टिक कर देना है। ओके, अब जो वीडियो लाना है आपको उसके लिए लेयर पे जाना होगा। बहुत लोगों को लेयर का ऑप्शन मतलब कि उनके मोबाइल में लेयर का ऑप्शन नहीं मिलता, तो वो दूसरे मोबाइल में ट्राई करेंगे, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन देख सकते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। मैंने जो वीडियो डाउनलोड किया था आपको बता रहा था बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो उसके लिए आपको मैं यहाँ पर कैमरा चला जाता हूँ और नीचे देख सकते हैं एक वीडियो आपको नज़र आ रहा है, इस वीडियो को मुझे लाना है। इसमें मैंने म्यूजिक भी सेट किया है और इस वीडियो को मैं पूरा साइज फिल कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं साइज फिल हो चुका है और यहाँ पर टिक कर देता हूँ। वीडियो आपको इस तरह नज़र आएगा। मैं वीडियो को थोड़ा प्ले कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। ओके, अब मैं वीडियो को प्ले करने वाला हूँ। यहाँ पर आपने वीडियो तो देख ली है, अब यहाँ पर आपने म्यूजिक भी सुन लिया। म्यूजिक में जो एक बीट है ड्रम का, वहाँ पर मुझे बेस लगाना है, मतलब कि जो एक बेस होता है, इफेक्ट होता है, उसको लगाना है। तो मैं आप फिर से सुन लेता हूँ। ओके, और आपने सुना कि जो बीट है ड्रम का, आपको वहीं पर स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद वहाँ पर आपको एक मार्क लगाना है। जिन लोगों को मार्क का ऑप्शन नहीं पता, मतलब कि मार्क कैसे लगाया जाता है, तो बहुत ही सिंपल है। जहाँ पर देख सकते हैं कि रेड लाइन है, रेड लाइन के ऊपर एक टाइमिंग का ऑप्शन बना हुआ है, जहाँ पर आपको पता चलता है कि वीडियो कितनी देर तक प्ले हुआ है। ओके, वहाँ पर आपको एक बार टाइप करेंगे तो ये बैगनी कलर का हो जाएगा और ऊपर एक मार्क लग जाएगा। तो मैं वीडियो और आगे कर लेता हूँ और बीट को सुन लेता हूँ, कहाँ पर हमें इफेक्ट डालना है, वहाँ पर मुझे मार्क लगाना है, तो मैं वहाँ मार्क लगा दूंगा। उससे पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ कहाँ पर इफेक्ट डालना है। तो यहाँ पर मैं आगे और प्ले कर लेता हूँ वीडियो को। और फिर से आपने सुना, तो यहाँ पर फिर से मैं मार्क लगा देता हूँ। मार्क लगाने के लिए आपको जैसे पता है कि यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं दो मार्क बैगनी कलर का लग चुका है। ओके, परफेक्ट। और आगे करके ऐसे करके वीडियो मैं सुन लेता हूँ और जहाँ जहाँ बीट रहेंगे वहाँ वहाँ मुझे मार्क लगाना है। ओके दोस्तों, सब कुछ सेट हो चुका है, मार्क भी सेट हो चुका है, कहाँ कहाँ पर मुझे बीट लगाना है, मतलब कि बेस इफेक्ट लगाना है, वो भी सेट हो चुका है। अब बात आती है कैसे लगाना है बेस को। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, मतलब कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्क लगाया, जहाँ जहाँ पर वहाँ मुझे बेस लगाना है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं एक की का ऑप्शन है, यहाँ पर चाबी का ऑप्शन देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पर कॉर्नर में देख सकते हैं चाबी का ऑप्शन, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। परफेक्ट, समझ में आ चुका होगा दोस्तों। और आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने मार्क लगाया है वहाँ पर बैगनी कलर का ऑप्शन हो चुका है, मतलब कि एरो हो चुका है। अब मुझे थोड़ा सा उसके आगे क्या करना है, प्लस का सिंबल, मतलब कि प्लस यहाँ पर क्लिक करेंगे,
एक सर्किल टाइप का यहाँ पर दे सकते हैं, आ चुका है। अब दोस्तों आगे करना है, जहाँ पर मार्क है वहाँ पर मुझे फिर से प्लस के सिंबल पर क्लिक करना है और यहाँ पर दे सकते हैं एक सर्किल और आ गया है। ऐसे करके आपको हल्का सा आगे करना है और यहाँ पर मुझे एक और लगा देना है सर्किल। प्लस के सिंबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दे सकते हैं सर्किल आ गया है। अब मुझे क्या करना है, ऐसे वीडियो में सभी कर लेना है। ओके, यहाँ पर भी कर लेता हूँ। यहाँ पर दे सकते हैं मार्क है, उसके आगे थोड़ा सा कर लेता हूँ सर्किल, फिर से बीच में एक सर्किल, प्लस का सिंबल का लगाएंगे और फिर से लगाएंगे। ऐसे करके सभी, मतलब कि जहाँ जहाँ बीट आपको नज़र आ रहा है ऐसे आपको लगा देना है। परफेक्ट, मैं यहाँ पर लगा दिया और आगे लगा देता हूँ जहाँ पर, यहाँ पर दे सकते हैं मार्क है उसके आगे हल्का सा, मतलब कि जहाँ पर मार्क है उसके आगे पीछे एक सर्किल सर्किल लगा देना। ऐसे करके आपको सभी, मतलब कि जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर लगा देता हूँ ताकि इफ़ेक्ट बहुत ही बढ़िया और यूनिक बने। ओके दोस्तों, जहाँ जहाँ पर मैंने मार्क लगाया था वहाँ वहाँ पर मैंने कर दिया। अब दोस्तों जहाँ जहाँ पर मैंने मार्क लगाया वहाँ वहाँ पर इफ़ेक्ट डालना है। उसके लिए आपको क्या करना है, हल्का सा आगे करना है। आगे करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर ब्लू, मतलब कि एक बैंगनी कलर का सिंबल आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर आपको अपने वीडियो को ऐसे करके जूम कर देना है। परफेक्ट, जूम करने के बाद ऐसे करके जहाँ जहाँ पर आपने मार्क लगाया वहाँ वहाँ पर आपको जूम करना है। मैं जूम कर लेता हूँ। परफेक्ट, ऐसे करके सभी आपको, मतलब कि जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पर कर लेना है ताकि इफ़ेक्ट आ जाएगा। ओके, मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा, वीडियो बहुत ही गजब का बनेगा क्योंकि ऐसा ऑप्शन, मतलब कि ऐसा इफेक्ट डाल के अपने वीडियो को और भी ज़बरदस्त बना सकते हैं। ओके दोस्तों, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरह आपको इफेक्ट मिलेगा। अब दोस्तों वीडियो को सेव करने के लिए आपको शेयर पे क्लिक कर देना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये वीडियो आपके गैलरी पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं पे पोस्ट कर सकते हैं ये इफेक्ट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को जरूर लाइक करिए। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।